हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको केवल साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, कॉस के बारे में बताया था। आज केवल मैं आपको कहा था जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की जो है वो खासियत है फार्मूले बेस पे, तो मैं केवल आज आपको इसके फार्मूले करा रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको मैं बताऊँ किस टाइप का मैं बताया था आपको साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। नहीं, आपको मैंने बताया कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, cosec inverse x, cot inverse x and sec inverse x, ठीक है। कि इन्हें कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अब देखो आप बता दो। ऐसा नहीं कि आप जिस सोचे कि cos inverse cos x is equal to x, और क्या टॉपिक को cos inverse x equal to x, ठीक है। कि इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स इक्वल एन एक्स, क्या कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल एन वी एक्स। नेक्स्ट रेसिप्रोकल में चलते हैं, तो जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि साइन एक्स बराबर होता था वन अपॉन कोसेक एक्स, ठीक है। कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन इनवर्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, टेन इनवर्स एक्स में कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स वन अपॉन यानी साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, सेक इनवर्स एक्स होते कैसे हैं ये आप प्रूफ करके दिखाओ। साइन इनवर्स एक्स इक्वल एन वाई, एक्स इक्वल एन साइन वाई वन अपॉन इधर पहुंचा तो वन अपॉन साइन वाई इक्वल एन वन अपॉन एक्स, साइन वाई को क्या लिखूंगा वन अपॉन साइन वाई, कोसेक वाई इक्वल एन वन अपॉन एक्स एंड वाई इक्वल एन कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स, और जो वाई की वैल्यू थी वो क्या थी साइन इनवर्स एक्स, सो दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल एन कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ये मैंने आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया, बाकी आपके छह के छह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस प्रकार से प्रूफ करते हैं रेसिप्रोकल के अंदर, इनके अंदर एंगल उल्टे होते हैं ना कि रेशियो, ठीक है। बाकी पांच आपको खुद करने हैं। इसी प्रकार से आइडेंटिटीज भी होती हैं इनके अंदर, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज होती थी, तो आपने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल है वन, तो इसमें आइडेंटिटीज होती हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल है पाई बाई टू, ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल है पाई बाई टू, और तीसरी आइडेंटिटीज होती है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है,
कि दो नंबर में कभी कभी बोर्ड वाले दो नंबर में क्वेश्चन ये प्रूफ करने को देते थे कि ये आइडेंटिटीज ही प्रूफ करने को देते थे कि आइडेंटिटीज प्रूफ है। तो पहली आइडेंटिटीज मैं प्रूफ कर रहा हूं, बाकी दो आपको एज इट इज है। तो देखिए पहले फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल है पाई, और लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल है वाई। आप पता है x इक्वल है ना, आप जब साइन को रिस्पोल करोगे तो ओके तो साइन y। लास्ट टाइम आपने 90 प्लस के फार्मूले पढ़ोगे पाई बाई टू नहीं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट उसके और सेकंड में दोनों पॉजिटिव होते हैं तो साइन y को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टू माइनस y। जब cos का मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल है pi by 2 माइनस y, इस y को इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स x प्लस y इक्वल है pi by, और y की वैल्यू क्या थी हमने लेट किया था sin इनवर्स x, तो आपके cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल है पाई बाई टू। तो ये पहली आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई, बोर्ड के अंदर छोटे से दो नंबर की आइडेंटिटीज हैं और आराम से प्रूफ कर सकते हो, नोट कर लो रफ कर लो। बाकी की दो आइडेंटिटीज सेम है, इसी प्रकार से आप टेन इनवर्स एक्स को या कॉस इनवर्स एक्स को लेट कर लो वाई के इक्वल लेकर या फिर कोसेक और सेक को लेट कर लो, तो तीनों आइडेंटिटीज आपकी प्रूफ हो सकती है। ठीक है नेक्स्ट x को कन्वर्ट करना है आपको cos इनवर्स में और tan इनवर्स में। अब cot इनवर्स में क्या वैल्यू होगी cos इनवर्स में और tan इनवर्स में क्या? लास्ट टाइम तो हम तो सीधे सीधे कि sin थीटा की जो वैल्यू थी आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे हम कन्वर्ट कर लिया आपने। ये भी एक नॉर्मल तरीका है, इसको आराम से यूज कर सकते हो, पर मैं कभी कभी क्वेश्चन पे काफ आ जाता है तो इसका फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर, कॉस में और लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल देन वाई, एक्स इक्वल देन साइन वाई, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर वाई। पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 1 माइनस के कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, कॉस वाई इक्वल है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल है कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस की एक्स स्क्वायर, और वाई क्या थी साइन इनवर्स एक्स। तो आपको साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यूज है अगर कन्वर्ट करनी है कॉस में तो कॉस इनवर्स में हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस की एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स की वैल्यू कन्वर्ट हुई कॉस में अंडर रूट के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर टेन में कन्वर्ट करनी है तो इक्वेशन फर्स्ट यहीं से ले लो इक्वेशन सेट में, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल है साइन वाई की जो वैल्यू थी एक्स और इसकी थी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, टेन वाई इक्वल है एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू थी वैसे हमने किया इनवर्स x है तो sin इनवर्स x तो कन्वर्ट हो गया फिर tan इनवर्स में
एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस की एक्स स्क्वायर एंड एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर वन माइनस की एक्स स्क्वायर। ये तो केवल आप फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, मैं तो प्रूफ इसलिए करा रहा हूं कि अगर हमें फॉर्मूले प्रूफ कर लेते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स को भी चेंज किया जाता है साइन में, टेन में, टेन इनवर्स को भी चेंज करेंगे कॉस में और साइन में। मैं तो केवल एक याद की आपके सामने प्रूफ किए रख रहा हूं। पर सबसे ज्यादा जो यूज है इसके अंदर वो सम ऑफ एंगल का है। उसमें तो केवल आप अगर फार्मूला भी लेके आते हैं तो बोर्ड वाले आपको हाफ या वन मार्क्स दे सकते हैं। अब वो सम वाले कैसे हैं कि जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो दो अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रियों के सम का तो सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं और सबसे ज्यादा चाहिए। अब केवल आप फार्मूला भी लिख जाए तो आपको आधा या एक नंबर मिल जाता है अगर सम्स के आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि किस टाइप से आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चल लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री प्लस साइन इनवर्स फोर अपॉन फाइव, या आप कह सकते हैं टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, हो सकता है टेन इनवर्स वन प्लस साइन इनवर्स वन अपॉन टू। और कहेंगे कि फार्मूले तो केवल साइन साइन में, टेन टेन में, कॉस कॉस में, तो यहाँ टेन और साइन है। अभी भी मैंने जस्ट आपको कराया कि साइन को या तो कन्वर्ट कर लो टेन में तो टेन टेन हो जाएंगे, या फिर कन्वर्ट कर लो टेन को तो साइन साइन में, या तो टेन को साइन में कन्वर्ट कर लो या साइन को टेन में कन्वर्ट कर लो तो आपको सेम रेशियो वाले मिल जाएंगे। तो आप फार्मूले का यूज करते हैं। अब फार्मूला क्या है वो बनाना सिखा दो। तो सबसे पहले साइन करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स साइन इनवर्स वाई। तो आपने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन एक्स प्लस वाई इक्वल है प्रोसेस आपको पता है इसको साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन। अब चूंकि हमारा हाथ पर साइन इनवर्स एंड कॉस साइन इनवर्स वाई का बना रहा है तो मैं एक्स जगह लेट कर सकता हूं, मान के चलिए साइन इनवर्स ए और वाई के जगह साइन इनवर्स बी। अब यहाँ एक्स और दो जाएंगे पर यहाँ पर कॉस भी है रेशियो, साइन के साथ साथ कॉस भी है तो इन आप कहते हैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, साइन के फॉर्म में। तो यहां से इसकी जो वैल्यूज होगी वो पहले बता दूं कि साइन एक्स इक्वल है ए और साइन वाई इक्वल है बी। तो पहले से कन्वर्ट कर लिया है एक्स प्लस वाई इक्वल है साइन इनवर्स साइन एक्स, अंडर रूट की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ वन माइनस के साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स, या तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन बराबर, आइडेंटिटीज इसी को अकॉर्डिंग चेंज किया गया है, ऐसे इसको चेंज कर रहा हूँ। तो पहले मैंने साइन वाई और अंडर रूट में लिख दिया वन माइनस के, इसको भी चेंज कर सकता हूँ साइन के फॉर्म में यानी साइन स्क्वायर एक्स, लेट इट क्लोज, पुट अप द वैल्यू ऑफ
x and y and sin inverse and sin y, और प्रोडक्ट करी गई तो x ये रहा आपका कहां गया sin inverse a प्लस sin inverse b इक्वल है sin inverse ब्रैकेट क्लोज sin x की वैल्यू a अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो कंप्लीट ये फॉर्मूला बना साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का इन सम ऑफ, ठीक है, दो अलग अलग इनवर्स फंक्शन के साइन की फॉर्म में, तो उनका बना साइन इनवर्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट में 1 माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी एंड 1 माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। अब मैं केवल एक एग्जाम्पल लेके आपको इस फॉर्मूले को क्लियर कर देता हूं। एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1, सिंप्लीफाई करना है तो साइन इनवर्स इसमें ए का काम होगा 1/2, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में 1 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल है साइन इनवर्स 1/2 एंड 0 प्लस 1 इंटू 1 माइनस के 1/4 ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स 0 प्लस 3/4 और साइन इनवर्स अंडर रूट में 3/2, क्लियर। बाकी रहे पोर्शन वो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जब तक आप केवल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई से संबंधित जितने भी पोर्शन है उसे सॉल्व कीजिएगा और कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी।